हिमाचल में युवाओं को रोजगार को लेकर बनाई कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हाल ही में कहा है कि सरकार ने 5 साल में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इस तरह हर साल 20,000 को रोजगार दिया जाएगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के 5 साल में 1 लाख नौकरी देने के दावे पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल का कहना है कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी 1 लाख नौकरियों की बात कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की नीति और नीयत को स्पष्ट करता है। आपको सुनाते हैं क्या कहा था उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने। हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज है, एक चीज हमने ये मांगी है कि आज हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो रोजगार हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को आने वाले 5 सालों में कैसे दिया जाए, सरकारी क्षेत्र भी उससे संबंधित मीटिंग थी। देखो जो हमारा काम तो सरकार को कैबिनेट कमेटी का काम सरकार को कैबिनेट को सुझाव देना है कि हम 1 लाख नौकरियों को कैसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। भाजपा के पलटवार को लेकर जब EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल ने फैक्ट चेक किया तो सामने आया कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, साथ ही 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी का चुनाव के दौरान का एक वीडियो भी हाथ लगा है। इसमें भी प्रियंका गांधी 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। क्या कहा था प्रियंका गांधी ने सुनिए। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।